चीन ने फिर से पाकिस्तान को हवाई सपने दिखाना शुरू कर दिया है। अपने सीपैक के चक्कर में चीन पूरा जोर लगा रहा है कि वह किसी न किसी तरह पाकिस्तान को शीशे में उतार सके। बड़ी बात यह है कि दुनिया से लगभग परे हो चुका पाकिस्तान पूरी तरह चीन की गोद में खेल रहा है। अक्टूबर महीने के आखिर में वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में वह 108वें स्थान पर आया तो इमरान खान अपने वजीरों के साथ गधैया नृत्य के जश्न में डूब गए। हर बार की तरह यहां भी भारत से अपनी तुलना करने का ढोंग रचा गया। हालांकि भारत में बिजनेस करना जितना आसान है, पाकिस्तान उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है, क्योंकि भारत का स्थान 63वां है और उसने सीधे सीधे 12 अंकों का सुधार किया है। पाकिस्तान में यह गधैया नृत्य है चीन की बदौलत हो पाया। चीन अपनी सीपैक परियोजना को बचाने के लिए पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही कर्तव्य बरसा रहा है। इसी के चलते वह पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने में जुट गया है। चीन सीपैक के अलावा पाकिस्तान में 1 करोड़ डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान से निर्यात किए जाने वाले 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क वसूलने का ऐलान किया है। संभवतः मदरसा जमात चीन से मिले ऐसे फायदों को देखकर बाग बाग हो रही होगी, परंतु चीन ने इस मेहरबानी के बदले पाकिस्तान से बहुत कुछ वसूल लिया है। पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाले 60 अरब डॉलर के गवादर बंदरगाह और इसके फ्री जोन पर चीनी ऑपरेटर्स को 23 साल के लिए टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। यानी एक प्रकार से गवादर पर चीन का प्रभुत्व हो चुका है। पर मामला केवल इतना नहीं है। भारत जिस प्रकार पीओके को लेकर आक्रामकता दिखा रहा है, उससे पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। 20 अक्टूबर को नियंत्रण रेखा की घटना ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान को संदेह है कि भारत देर सवेर पीओके में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में उसकी जान बचाने में चीन ही एकमात्र विकल्प बचता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अब उसे कोई उम्मीद भी नहीं रही है। रही सही कसर आज सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को झटका देकर पूरी कर दी, जिसमें ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष केरन पियर्स ने यह कहकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया कि अब कश्मीर मसले पर चर्चा नहीं होगी। इसके लिए चीन, मलेशिया और तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा जोर लगा रहे थे। पाकिस्तान और भारत के बीच में चीन का कूदना जरूर चीनी दादागिरी का प्रतीक है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह अब चीन को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के उप महानिदेशक याओ वेन ने पिछले 2 दिनों में भारत के विरुद्ध काफी जहर उगला है। उसमें पाकिस्तान की पैतरेबाजी साफ झलकती है। याओ वेन इस तरह के बयान देकर भारत को पीओके में कार्रवाई के प्रति सचेत कर रहे हैं। याओ के मुताबिक पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है और चीन कश्मीर को विवादास्पद क्षेत्र मानता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के संकल्प के मुताबिक हल करने की जरूरत है। मतलब पाकिस्तान खुद को चीन के पास गिरवी रखकर अपने तैमन बचाने की जुगाड़ में है, लेकिन भारत सरकार पर संभवतः चीनी धौंस नहीं चल पाएगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका खुलकर भारत द्वारा कश्मीर में की गई कार्रवाई के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। अमेरिकी सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने जिस प्रकार मोदी की तारीफ की, उससे पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटना स्वाभाविक है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के मामलों में कूदकर चीन अपने हित साध रहा है। चीन की नजर गवादर पोर्ट से हटकर अब खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान पर टिक गई है। वह पाकिस्तान को कर्ज की संजीवनी देकर यहाँ की खनिज संपदा के दोहन की तरफ रुख कर रहा है। यानी चीन का अगला पड़ाव बलूचिस्तान है। यही क्वेटा में चीन का पहला सांस्कृतिक कार्यालय भी खोल दिया गया है। पाकिस्तान केवल भारत विरोध के नाम पर स्थापित है। गजवा हिंद का फितूर अभी भी इनके पिछवाड़े पर दो मुही बनकर चल रहा है। ऐसे में चीन उसी का फायदा उठा रहा है। खुद चीन भी किसी हालत में युद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान के पिछवाड़े को सारा देने के लिए वह भारत को घुड़कीपूर्ण अंदाज में बोल रहा है। जिस वक्त भारत पीओके को हासिल करने का अभियान शुरू करेगा, तब चीन तमाशा देख रहा होगा। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि चीन जानता है कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन के मुकाबले भारत के सामने वह कहीं नहीं ठहरता है। डोकलाम मसले पर वह इससे रूबरू भी हो चुका है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।